ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दक्षिण गंगोत्री व्यापारी संघ ने रेलवे प्रशासन से मांग की है कि सुपेला रेलवे फाटक पर बनने वाले अंडरब्रिज को मोरिया चंद्रा अंडरब्रिज और प्रियदर्शनी परिसर में बने हुए अंडरब्रिज की तरह बनाएं। दक्षिण गंगोत्री सुपेला के व्यापारी गण लगातार लगभग 4 महीनों से सुपेला रेलवे फाटक पर बन रहे अंडरब्रिज की बनावट को लेकर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं और अब तक निगम भिलाई सहित जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन से लगातार पत्राचार और साक्षात्कार कर अपनी समस्याओं से अवगत कराते आ रहे हैं, परंतु अब कहीं इसका हल निकलता नजर नहीं आ रहा। जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन से इन व्यापारियों ने नक्शे की मांग भी की थी, परंतु इन्हें नक्शा उपलब्ध नहीं कराया गया। अब इन्हें एहसास होने लगा है कि जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन इन्हें अंधेरे में रखकर इस अंडर ब्रिज का निर्माण कर दक्षिण गंगोत्री के व्यापारियों का व्यापार समाप्त कर देगी। पत्राचार वार्ता के माध्यम से दक्षिण गंगोत्री के व्यापारियों ने यह साफ कर दिया है कि सुपेला में बनने वाले अंडरब्रिज को मौर्या चंद्रा टॉकीज के पास बने अंडरब्रिज और प्रियदर्शनी परिसर में बने अंडरब्रिज की तरह खुले तौर पर बनाया जाए, न कि इस पर शेड लगाया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है, इन व्यापारियों के सामने इनके प्रतिष्ठान में कार्य करने वाले भूखे मरने की स्थिति में आ जाएंगे और उससे बेहतर होगा कि यह अभी आत्मदाह कर लें। और हम लोग इस ब्रिज से संबंधित सारे काम के लिए कलेक्टर महोदय से लेके आयुक्त महोदय से लेके रेलवे के अधिकारी तक से लेके हम सबसे मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन हमको कहीं से भी अभी 3 महीने ज़्यादा हो गया समय, कहीं से भी कुछ भी लिखित या कोई आश्वासन तक नहीं मिला है कि तुम्हारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग इसके बहुत कड़क कदम उठाने जा रहे हैं। अब हम लोग एक दिन मार्केट बंद करेंगे पूरा, आयुक्त साहब को पकड़ेंगे और भैया हमारा काम, सांसद महोदय के पास भी गए थे अभी, तो उन्होंने आज का टाइम दिया था मिलने का, लेकिन वो नहीं मुलाकात हो पाई, तो चले गए थे जरूर, और उनसे फिर से मुलाकात करेंगे और ऊपर तक जाएंगे। आपके द्वारा नक्शे की मांग की गई थी, आरटीआई के द्वारा नक्शे की मांग की गई थी, उन्होंने कहीं से कोई जवाब नहीं आया हमको। जवाब आए हैं मतलब कि दिया किसी ने नहीं है, नक्शा हमें प्रोवाइड नहीं किया गया। तो सर नहीं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, आत्मदाह कर तक कर लेंगे लास्ट में। भाई बीवी बच्चों का सवाल है, हमारे पेट का सवाल है, हमारी दुकानदारी नहीं चलेगी तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। अब मामला ये है कि किसी भी चीज़ की कोई सुनवाई तो हो नहीं रही है, कहीं से कोई स्पष्ट रिजल्ट हमें दिख नहीं रहा, तो अब आखिरी ऑप्शन ये बनता है कि रेल मंत्री से डायरेक्ट एक बार मिला जाए और दुकानें बंद की जाए प्लस न्यायालय की शरण ली जाए। स्टे की तैयारी करने की तैयारी चल रही है, पूरा अंधेरे में रखा जा रहा है और इससे यही चीज पता चल रहा है कि शायद हो सकता है कि हमसे कुछ कहा जा रहा है, बनना कुछ और है। शासन प्रशासन रेलवे हमसे कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। 3-3.5 महीने से हम लोग यहाँ पंडाल डाल के बैठे हैं, आए गए दिन हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हर जगह पत्राचार के माध्यम से हम लोग संपर्क बनाए, किसी से कोई हमको बेनिफिट नजर नहीं आ रहा है। आखिरी कदम के तौर पर तो हमारे उपाध्यक्ष महोदय जी कह ही चुके हैं, लास्ट स्टेप यही है कि अब न्यायालय की शरण लेंगे और यहाँ पे काम आगे नहीं होने देंगे रेलवे पटरी से। इस तरफ हम लोग हर स्तर पे हम लोग पूरा विरोध करेंगे। दुर्ग जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन कई बार मौके का मुआयना कर चुका है और दक्षिण गंगोत्री के व्यापारियों से चर्चा भी हो चुकी है, परंतु उसके बावजूद रेलवे प्रशासन की कार्यशैली समझ से परे है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।